पुराने दौर की एक बड़ी ही मशहूर कहावत हुआ करती थी कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा समझो जमिया ही नहीं, यानी कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो मानो पैदा ही नहीं हुआ। कि लाहौर पाकिस्तान के पंजाब का वो खूबसूरत शहर है जिसे पुराने दौर में ये कहा जाता था कि ये देखना सभी के लिए बेहद खूबसूरत होगा, और जो लाहौर देख सकते थे वो इसकी अलग अलग तरीके से बताते भी थे कि लाहौर शहर कैसा शहर है। तो एज एन इंडियन ब्लॉगर मैं मनु मेहता मिठरा भिरा के माध्यम से, मेरे चैनल का जो नाम है मिठरा भिरा, मैं आज फिर से सेकंड टाइम पहुंचा हूं लाहौर में और आपको रूबरू करा रहा हूं लाहौर खूबसूरत शहर से। तो आपको आइए शुरू करते हैं आज हम लाहौर का विजिट कि कैसा है लाहौर शहर, कैसी है यहाँ की सड़कें, कैसा है यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन और कैसे हैं यहाँ के लोग, वो सब शुरू करते हैं हम लाहौर के न्यू पार्ट से जो कि बिल्डरों द्वारा डेवलप किया गया है, और हम इसे कवर करेंगे वॉल्ड सिटी जो कि पुराना शहर किले के अंदर होता था वहाँ तक। तो आज इस सफ़र की शुरुआत करने से पहले मेरी सभी से एक ही रिक्वेस्ट, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और वीडियोज को शेयर करने के साथ साथ कमेंट्स भी करते रहें। तो आइए चलते हैं आप लोगों के साथ लाहौर एक्सप्लोर पर। लो जी, पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर में एंट्री करते हुए ये देखिए साफ तौर पर लिखा हुआ है वेलकम आई लव लाहौर। ये पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर। लाहौर की खूबसूरती जो है वो सबसे बड़ी खूबसूरती है लाहौर की कैनाल। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बीचों बीच ये कैनाल और दोनों तरफ खूबसूरत रोड्स काफी बड़े। ये जो कैनाल है वाटर कैनाल्स, ये पूरे लाहौर के बीचों बीच इसी तरह से चलती रहती है और कैनाल के दोनों तरफ और रोड के दोनों तरफ, यानी कि कैनाल बीच में है वहाँ बीच में दोनों तरफ काफ़ी अच्छे खूबसूरत ट्रीज और फिर रोड के और चारों तरफ ट्रीज, यानी कि हरियाली इतनी होती है यहाँ पर कि पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता है, आबो हवा काफ़ी अच्छी होती है। ये देखिए हम नहर के बिल्कुल साथ आ चुके हैं, ये आप नहर देखिए और देखिए नहर के इस तरफ लेफ्ट में राइट में दोनों तरफ कितना खुला रोड चल रहा है, FOB बने हुए हैं, ये सब चीज़ें यहाँ की काफ़ी बड़ी खूबसूरती को। ये नहर देखिए आप कितनी खूबसूरत, ये कैनाल बिल्कुल बीचों बीच, यानी कि आप लाहौर को कैनाल सिटी भी कह सकते हैं कि इतना खूबसूरत है लाहौर और पूरा साल इस कैनाल में पानी होता है। यही वजह है कि यहाँ पर साफ और सुथरा लाहौर होता है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। दिल्ली से काफ़ी ज़्यादा बेटर माना जाता है क्योंकि यहाँ ग्रीनरी बहुत है और चूँकि अभी यहाँ एक्सटेंशन के लिए काफ़ी एरियाज हैं तो इसलिए यहाँ घनी आबादी इस इलाके में नहीं है, लेकिन वर्ल्ड सिटी का जो इलाका है वो पूरी तरह से पुरानी दिल्ली की तरह है, उसी स्ट्रक्चर पर है, वहाँ पर तंग गलियाँ वगैरह भी हैं। तो वर्ल्ड सिटी का इलाका एक थोड़ा कंजस्टेड हो जाता है, लेकिन जो बाकी नए लाहौर के बाकी पॉश एरियाज हैं वो सब बहुत ही खूबसूरत बने हुए हैं, बहुत ही अच्छे बिल्डर्स ने यहाँ पे कॉलोनियाँ डेवलप की हुई हैं। DHA डिफेंस हाउसिंग जो एकेडमी है उन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी DHA के सेक्टर्स डेवलप किए हुए हैं। ये देखिए जी, ये कुल मिला के ये जो रोड है लाहौर रिंग रोड को भी कनेक्ट करता है और लाहौर के मॉल रोड पर भी जाता है। इस तरह से हम आगे चलते हुए ये लाहौर के मॉल रोड की तरफ, जो यहाँ का फेमस मॉल रोड है, काफ़ी चहल पहल भरा, अब हम मॉल रोड की तरफ मूव कर रहे हैं। मॉल रोड की तरफ जब जाते हैं तो इस तरह के अंडरपास भी बने हुए हैं जो कि दिल्ली में भी हैं कुछ इस तरह के अंडरपास, तो लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक का प्रेशर काफ़ी कम होता है। ये देखिए ये इस तरह के अंडरपास लाहौर के कई जगह बने हुए हैं लाहौर को इजी ट्रैफिक, स्मूथ ट्रैफिक के लिए, लेकिन यहाँ की हरियाली बहुत ही ज़्यादा
खूबसूरत हरियाली और ये नीट एंड क्लीन जो लाहौर है, ये पॉश इलाका है भाई। एक बात और है, सभी जो भी हमारे व्यूअर्स हैं कमेंट जरूर करते रहिएगा साथ साथ कि आपको लाहौर कैसा लग रहा है, और साथ साथ वीडियो शेयर तो बनता है ना भाई, तो ये सब करते रहिएगा। बीच में कैनाल, और ये देखिए जी, बीच में कैनाल के दोनों तरफ रोड, फिर ग्रीन बेल्ट, और इस तरह से ये लाहौर, खूबसूरत लाहौर। यहाँ भी सीसीटीवी कैमराज पूरी तरह से नजर रखते हैं आने जाने वाले ट्रैफिक पर। इस तरह से आप अंडरपास में भी, और अंडरपास के ऊपर रोड, और फिर उसके ऊपर फ्लाईओवर, ये देखिए आप। लाहौर के इस इलाके को शादमान रोड इलाका कहा जाता है, शादमान इलाका कहा जाता है। बहुत ही बड़ी हिस्ट्री है इस इलाके की, जो कि ना केवल पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान, या कह सकते हैं कि हर उस जज्बे से जुड़ी हुई है जो शहीद आजम भगत सिंह और उनके साथियों से परिचित है। जी हाँ, ये सामने जो सर्कल आ रहा है, ये है शहीद आजम भगत सिंह चौक। यहीं पर भगत सिंह, इसके बिल्कुल पास में ही, उस समय जो जेल हुआ करती थी, इसी चौक पर उन्हें फांसी दे दी गई थी। आज भी इस चौक को शहीद आजम भगत सिंह चौक कहा जाता है। इसकी कंप्लीट वीडियो मैं आपको लिंक नीचे शेयर कर दूंगा। और ये बिल्कुल इसके पास से, इसके राइट साइड से जेल शुरू हो जाती है, जो उस समय भी जेल हुआ करती थी। ये शहीद आजम भगत सिंह की बड़ी याद के लिए यहाँ पे, आज भी यहाँ पर उनकी जो एनिवर्सरी होती है, डेथ एनिवर्सरी, उस टाइम पे यहाँ पे लोग कैंडल वगैरह लेकर आते हैं, बाकायदा उस चीज़ को याद करते हैं। और इसलिए ये जो रोड है काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। आगे ये रोड माल रोड की तरफ चला जाता है, पुलिस की गाड़ियाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से, और यहाँ जो ग्रीन कलर की नंबर प्लेट होती है, टोटली ग्रीन, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए होती है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उनकी नंबर प्लेट ग्रीन होती है, बाकी लोगों की अपनी चॉइस होती है। अब मेरे देखिए साइड में ये जो, ये गवर्नमेंट ऑफिसेस, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनकी जो नंबर प्लेट होती है ग्रीन होती है। ये लोग लाइट वगैरह भी, ब्लू कलर की लाइट वगैरह भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बाकियों की नंबर प्लेट वाइट या ब्लैक या फैंसी येलो, कोई अपने अपने तरीके से लोग लगवाते हैं, लेकिन ग्रीन अगर आपको नंबर प्लेट कहीं नज़र आती है तो वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की होती है। हमारा ये जो सफ़र है, आज हमने न्यू लाहौर के जो प्राइवेट बिल्डर्स कॉलोनी है वहाँ से शुरू किया है, और हम इसे वॉल्ड सिटी की तरफ लेकर जा रहे हैं। अब जो सामने जो चौक देख रहे हैं, जिसमें एक, इसे एक एरोप्लेन भी बीच में खड़ा हुआ है, ये है यहाँ का चाइना चौक। बच्चे आते हैं यहाँ पर, फोटोग्राफी करते हैं, और कुछ छोटे छोटे बच्चे एंजॉय करके चले जाते हैं, इसलिए इसे चाइना चौक कहा जाता है। ये चाइना चौक फेमस है। और सीधे हम जो जा रहे हैं, ये अब माल रोड की तरफ जा रहे हैं। ये अच्छा, यहाँ पर काफ़ी गार्डन भी फेमस हैं कुछ है, ये मैं आपको जरूर उन चीज़ों के बारे में दिखाऊंगा। ये आपको बहुत सारे गार्डन्स हैं जिसके अंदर काफ़ी वो बने हुए हैं। मेरे जो लेफ्ट साइड में आपको नज़र आ रहा है, ये बहुत बड़ा गार्डन है, ये है लॉरेंस गार्डन। अभी कमिश्नर लाहौर रहे लॉरेंस, उनका ये उस समय रेजिडेंस हुआ करता था, इसलिए आज ये लॉरेंस गार्डन के नाम से मशहूर है। और ये है जी यहाँ का मॉल रोड, ये देखिए, सेक्रेटेरिएट से लेके म्यूजियम, हाई कोर्ट, अनारकली बाजार, न्यू अनारकली, यानी कि ये रोड अब धीरे धीरे वॉल्ड सिटी की तरफ चला जाता है। रेड लाइट से आगे आपको जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये पंजाब असेंबली की बिल्डिंग है, बाकायदा इसके लिए मार्किंग भी की गई है। पंजाब असेंबली, पंजाब के जो सीएम हैं वो यहीं बैठते हैं, राइट साइड में आप देख सकते हैं, ये पंजाब असेंबली है, ये पंजाब असेंबली, इस तरह से पंजाब के सीएम वगैरह सब यहीं बैठते हैं, ये पंजाब असेंबली। और ये खूबसूरत माल रोड पर बनी हुई बिल्डिंग्स जो आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी
हिंदुओं की हुआ करती थी, जो यहाँ से सिख और जैन पंजाबी या बाकी हिंदू थे वो सब माइग्रेट होके गए हैं। ये सब बिल्डिंग्स उस दौर में उन्हीं के हुआ करती थी। और लाहौर ये देखिए, ये सामने जो बिल्डिंग है ये तो वाकई इसमें तो काफ़ी ज़्यादा उनके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हुआ करते थे। इस पे बाकायदा यहाँ पर सर गंगाराम ने भी अपने काफ़ी उनका काफ़ी योगदान रहा है। आज भी लाहौर में सर गंगाराम हॉस्पिटल चल रहा है। राइट साइड में जितनी भी ये इस माल रोड पर ये जो जितनी भी आपको बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं ये सब हिंदू परिवारों की हुआ करती थी, हिंदू और सिख परिवारों की हुआ करती थी। ये सामने देखिए जनाब, गंगाराम ये क्या है, ये गंगाराम ट्रस्ट। हाँ। ये सर गंगाराम का वो है जो उन्होंने ट्रस्ट बनाया था। सर गंगाराम की बिल्डिंग ये हुआ करती थी। आज भी यहाँ पर सर गंगाराम हॉस्पिटल ऐसे ही चल रहा है। ये वाली सारी बिल्डिंग्स जो भी हैं साथ में ये भी हिंदुओं की हैं, ये उस दौर के हिंदुओं की हुआ करती थी। और सामने बड़ा खूबसूरत ये हाई कोर्ट का इलाका, सामने जीपीओ जनरल पोस्ट ऑफिस लाहौर की खूबसूरत बिल्डिंग जो अंग्रेजों के दौर की बिल्डिंग है। अच्छा, ये जीपीओ की जो बिल्डिंग है ये जो स्ट्रक्चर है ये ब्रिटेन की मलिका के जो ताज है ठीक उसी ताज की तर्ज पर बना हुआ है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ के रेनोवेशन का जितना खर्चा है वो सब वहीं से अब भी आया करता है, क्योंकि ये उसी की ताज को उसी को ही रिप्रेजेंट करता है ये यहाँ का जीपीओ लाहौर। तो इसीलिए ये सारा खर्च आज भी वहीं से आता है। ये नज़दीक से देखिए कितनी खूबसूरत बिल्डिंग, ब्रिटेन से यहाँ से सारा खर्च किंग परिवार से, ये जीपीओ लाहौर का माल रोड पर बना हुआ ये देखिए साथ में इस तरह से। और अंग्रेजों के दौर की ट्विल्टन मार्केट उस दौर की काफी फेमस मार्केट हुआ करता था। और सामने आ चुका है अब यहाँ का लाहौर म्यूजियम। और माल रोड पर ये नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की बिल्डिंग जो कि बिल्कुल म्यूजियम के ठीक सामने है लाहौर में, ये भी उसी दौर की बिल्डिंग है जो कि आज नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट में तब्दील हो चुकी है, अंग्रेजों के दौर की बिल्डिंग। ये पाकिस्तान का ऑफिस ऑफ पोस्ट मास्टर जनरल पंजाब, ये देखिए जनाब कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है। ये खूबसूरत बिल्डिंग ऑफिस ऑफ पोस्ट मास्टर जनरल, ये उस दौर की बिल्डिंग। और देखिए आज भी यहाँ की घड़ियाँ महफूज, मॉल रोड को भी ये एरिया कनेक्ट करता है। ये है पाकिस्तान का टाउन हॉल, लाहौर का टाउन हॉल, अंग्रेजों के दौर का बना हुआ टाउन हॉल। कितना लोकल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, कितना खूबसूरत बना हुआ है, आप खुद सोच सकते हैं कि। और ये पीछे एक ये ओल्ड पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस जो एक्चुअल पंजाब यूनिवर्सिटी का था, ये जीपीओ वाला चौक आ जाता है। ये देखिए गोल आजकल मॉल चौक कहा जाता है। ये देखिए जी खूबसूरत तोप है, ये बड़ी तारीखी तोप है, ये भी तारीखी तोप यहाँ पर रखी हुई है। और ये पूरा एरिया यहाँ से पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ, ये देखिए ये रास्ता जा रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ, ये जो है मेन पंजाब यूनिवर्सिटी। इसकी जो मेन वीडियो है वो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी की पहले भी बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वो जरूर देखिएगा। यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से सेलिब्रिटी पड़े हैं वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये नेशनल आर्ट कॉलेज जो उस दौर की पुरानी इमारत है, ओल्ड कोलिंटन मार्केट ये हुआ करती थी। ये जैन मंदिर का मेट्रो स्टेशन का स्टॉप, और ये बीच में बना हुआ छोटा सा अनारकली का जैन मंदिर जो दोबारा से रेनोवेट किया गया है। इस मंदिर को कोशिश करते हैं इसके अंदर चल के दिखाते हैं। ये देखिए जनाब, और ये
जैन मंदिर आज भी दोबारा से रेनोवेट किया गया है। ये देखिए जैन मंदिर, ये अभी जो डेलीगेशन आया था वो इसी जैन मंदिर में आया था। अनारकली स्टेशन के सामने ये देखिए, ये वो जैन मंदिर, ये देखिए जो दोबारा से फिर से रेनोवेट हुआ है। ये देखिए जैन मंदिर, इसकी ये वो अनारकली का तारीखी जैन मंदिर जिसमें 1947 से पहले का व्यू है, 1992 के बाद का व्यू है, और ये रिस्ट्रक्शन जो दोबारा इसको किया गया है, और अब ये 2022 सारा इसमें हम थैंक्सफुल हैं एक्वी ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पंजाब सरकार के, जिन्होंने इसे फिर से रेनोवेट करने में एक मंदिर की ये की है, शुक्रगुजार हैं। थैंक यू ETPB एंड थैंक्स ऑल जिन्होंने इस मंदिर में दोबारा से लाहौर में इसे बनाया है। ठीक अनारकली स्टेशन के सामने बना हुआ ये वो जैन मंदिर जो अपनी एक अलग हिस्ट्री रखता है। पाकिस्तान का ये एरिया देव समाज के नाम से जाना जाता है, और सबसे बड़ी बात है कि देव समाज जो संस्था है वो इंडिया में भी काफ़ी शहरों में उन्होंने अच्छा अपना स्कूल वगैरह स्टार्ट किए हुए हैं, खासकर जालंधर और गुरुग्राम, गुड़गांव में भी उनके स्कूल्स हैं। तो ये पुराने जो हिंदू इलाके हैं, सब हिंदू इसी इलाके से माइग्रेट हुए थे। ये देव समाज इलाका है, ये जो है ये संत नगर स्कूल, और ये बिल्डिंग देखिए उस दौर की पुरानी बिल्डिंग जहाँ सारे उस टाइम हिंदू माइग्रेटेड पीपल सारे यहाँ पे रहा करते थे। उस समय इस इलाके का नाम संत नगर था, लेकिन अब इसे इस्लामपुरा कर दिया गया है, और सारे अंदरून लाहौर के अंदर ये इलाका पड़ता है, इसे संत नगर के नाम से जाना जाता था। आज भी ये देखिए सामने ऊपर देख सकते हैं कि पुरानी इमारतें अभी भी एज इट इज खड़ी हुई है। ये संत नगर का वो इलाका जो अंदरून लाहौर के अंदर पड़ता है, ये इलाका काफ़ी हिंदू परिवारों के लिए, पुरानी बिल्डिंग है देखिए आप उस समय, ये पुरानी बिल्डिंग है आज भी महफूज, अपनी मजबूती कायम और ऊपर बिल्कुल उसी लिहाज से खड़ी हुई है। और ये देखिए आज भी ये देखिए इस बिल्डिंग पर ओम लिखा हुआ है, ओम यानी कि साफ जाहिर हो रही है कि ये उस दौर के हिंदू परिवारों की बिल्डिंग है, कितनी खूबसूरत हुआ करती थी। और नीचे आनंद भवन, ये सामने देखिए ये रहा आपको आनंद भवन लिखा हुआ नजर आ रहा है 98, और ये प्लेट पर भी लिखा हुआ है आनंद भवन, ये देखिए आनंद भवन जी, ये लिखा हुआ है सामने भी, पंडित देवी दयाल BABT ओम, ये बिल्डिंग देखिए जी। और वकील साहब मुझे खुद अपने साथ विजिट करा रहे हैं, ये देखिए वकील साहब इतना खुद मुझे सारी बिल्डिंगों पे विजिट करा रहे हैं। ये सामने देखिए आनंद भवन ओम ये लिखा हुआ है, ये वो इमारतें हैं जो उस दौर की आज भी इन्होंने अपनी मजबूती कायम की हुई है। ये एरिया पूरा हिंदू कैंप के नाम से ये एरिया जाना जाता है, हिंदू कैंप। ये देखिए ये आज देव समाज रोड कृष्ण नगर, ये कृष्ण नगर इलाका है, देव समाज रोड पर कृष्ण नगर इलाका, और हिंदू कैंप का ये इलाका देव समाज रोड लाहौर, यानी कि देव समाज जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका आज भी यहाँ पर नाम चला आ रहा है, उसी नाम से लोग अब भी जानते हैं। ये हिंदू कैंप का इलाका, ये जो इलाका है कौन सा इलाका माना जाता है? आप 40 साल से इस इलाके का नाम क्या है, ये जगह का? इसका नाम है DAV हॉस्टल, DAV नंबर 1 और नंबर 2। अच्छा, और हिंदू कैंप इसी को कहते हैं, वो पहले हिंदू कैंप था। हिंदू कैंप था, उनकी क्या तारीख है हिंदुओं की यहाँ? हिंदुओं की ये है, ये आप ले रहे हैं, ये 100 साल की हिस्ट्री है, 100 साल। अच्छा, तकरीबन अच्छा, बाहर लिखा हुआ है। अच्छा, आप यहीं की पैदा? मैं यहाँ का रहने वाला। आपने हिंदू देखे थे जब पार्टी? नहीं नहीं, वो नहीं मैंने देखे, लेकिन ये घर उन्हीं के हुआ करते ये थे? पहले उनके थे, यहाँ पे लोग रुकते थे, ठहरते अच्छा, थे अच्छा, ये कमरे बड़े होते थे अच्छा, ये साथ ही कॉलेज है अच्छा, वो कॉलेज के स्टूडेंट भी रहते थे उन कमरों में।
आपका नाम अगर आप मेरा नाम हाजी मोहम्मद फैज आपका इंटरव्यू यूट्यूब पे चला दे मेरा हाँ जी चला दे मेरा नाम हाजी मोहम्मद फैज है और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। ये पहले हिंदू कैंप था, अब इसका नाम डीएवी हॉस्टल है। अच्छा, डीएवी इसे क्यों कहते हैं? दयाल सिंह? हाँ जी, डीएवी दयाल सिंह, क्योंकि वो दयाल सिंह कॉलेज के नाम। अच्छा, कोई खास तारीखी बात आपको इस इलाके की पता हो? ये जैसे पार्टीशन हुआ है ना, लोग वो आए वहाँ से जी जी, तो उनको यहाँ पे रहने के लिए रिलीफ दिया गया जो हिंदुस्तान से मुसलमान आए। अच्छा, उससे पहले यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी का हॉस्टल वो रहते थे, उनका हॉस्टल। ये जो लोग आते हैं ना दूसरे शहरों से, वो स्टे करते थे, कमरे खाली होते थे। अच्छा, इसलिए हाँ जी हिंदू प्रॉपर्टी थी। अच्छा, वो परदेसी जो आते थे। अच्छा, जब सराय वगैरह होती थी। अच्छा, ये भी कमरे खाली होते थे, परदेसी लोग रहते। यहाँ कोई पुराना हिंदुओं का मंदिर इस जगह के अंदर? ये है, वो स्कूल है ये सामने। अच्छा, लड़कियों का। अच्छा, उसके अंदर? उसके अंदर बहुत बड़ा मंदिर है, अभी भी है। हाँ जी, अभी भी। इस जगह के अंदर भी कोई मंदिर? इसके अंदर नहीं था, नहीं था मंदिर। तो ये सफर काफी लंबा होता जा रहा था, हालांकि अभी भी काफी ऐसे पार्ट्स हैं जो आप लोगों के सामने मैंने लेकर आने हैं लाहौर एक्सप्लोर के। अभी तो मानो शुरुआत सी हुई है, तो मेरा आपसे वही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और साथ साथ वीडियो शेयर करने के साथ साथ कमेंट्स भी करते रहें, ताकि अभी लाहौर के वो खूबसूरत रंग जो अभी दिन के से लेकर रात तक और न्यू लाहौर से लेकर वर्ल्ड सिटी तक आने वाले हैं, क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या यहाँ के खाने हैं, कैसे खाबे जिसे बोला जाता है वो हैं, वो सब चीज़ें आपके सामने मैं जल्द ही लाता रहूँगा। तो आज के ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड, और एंड करने से पहले वही गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबाएं। लेते हैं आपसे अलविदा।